हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो किचन गार्डन करते हैं, मतलब अपना छत्ता में सब्जी उगाते हैं, उसके लिए एक बढ़िया नुस्खा टिप्स मैं लेके आया हूँ। ये वीडियो आप लोग पहले से इन तक पूरा देखिएगा, इसमें आपको जरूर बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों का कंप्लेन रहता है सीड्स मतलब बीज डालने के बाद भी बीज ग्रो नहीं कर पाता है, इससे आप लोगों का टाइम पैसा सब नष्ट होता है। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, क्या लगाए हम सब्जी वजह से सब्जी खरीद के लेके चलाते हैं। इसलिए ये बीज कैसे आप लोग जर्मिनेशन कर पाए से कौन सा तरीका है, जल्दी से जर्मिनेशन हो और बेटर से बेटर आप रिजल्ट आपको मिल सके, इस वीडियो में इसका टिप्स दिया हुआ है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, पहले से लास्ट तक स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, मैं जो टिप्स इस वीडियो में दिया हूँ वही टिप्स इस्तेमाल करके देखिए मैं कितना बढ़िया बेटर रिजल्ट हमको मिला है। आप भी यही टिप्स यूज कीजिए और बेटर रिजल्ट पाइए। सीड्स सब ले लीजिए और इसको आप लोग रात भर 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। मैंने लिया है करेला, भिंडी, झींगा। 24 घंटा भिगोने के बाद ये सब सीड्स को कोई सूती कपड़ा में रख लीजिए। उसके बाद इसको लपेट दीजिए, बंद कर दीजिए और उसको कोई भी टिफिन बॉक्स में भर दीजिए और उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उसको दो दिन के लिए रख दीजिए, दो दिन के बाद उसको खोलिएगा। दो दिन बाद टिफिन बॉक्स खोलने के बाद देखिए क्या हुआ है, सब में अंकुरित हो गया है। देखिए ये बरबट्टी लाफा, ये झींगा आए, भिंडी लेडीज फिंगर, करेला में भी नहीं हुआ है, करेला में 7 दिन लगता है अंकुरित होने में। और ये सब हमको पॉट में इसको दे देना है, फिर उससे निकल जाएगा गाछ। देखिए कैरी बैग में हम सब मिट्टी डाल के रखे हुए हैं, ये सब में एक एक ठो करके जितना सीड्स है अंकुरित ये सब डाल देंगे, सब में एक ठो डाल देंगे। उसके बाद ये 6 से 7 दिन तक पूरा पौधा निकल आएगा। इसको डाल दिए, देखिए सब में एक एक करके अंकुरित सीड्स डाल दे रहे हैं। अंकुरित सीड्स डाल दीजिए, इसको पतला सा मिट्टी डाल दीजिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए, 7 दिन के बाद ये निकल जाएगा अपने सीड्स। आफ्टर 5 डेज देखिए जो सीड्स मैंने डाले थे कैरी में, ये सब 5 दिन बाद देखिए ग्रो कर गया है, इतना बड़ा बड़ा हो गया है आफ्टर 5 डेज। खूब सुंदर निकला है, आप इसको हम बड़ा कोई पॉट में इसको डाल देंगे, इसको कोई बड़ा पॉट में डाल दे रहे हैं आप। मट्टी थोड़ा खोल लीजिए, ये पॉट लिए हम, तो कैरेट लिए हैं, इसमें डाल देंगे। ये जो कैरी है इसको आप छीट लीजिए, इसे बात दे दीजिए, कैरेट हटा दीजिए। कैरी हटाने के बाद इसको बढ़िया से ढक दीजिए,
और इसमें थोड़ा वाटर दे दीजिए, एड वाटर। आफ्टर 10 डेज देखिए और बड़ा हो गया है सब। आफ्टर 10 डेज 10-10 दिन के बाद फिर ले रहे हैं वीडियो। आफ्टर 15 डेज देखिए कितना बड़ा हो रहा है। आफ्टर 15 डेज देखिए इसमें फूल भी आने शुरू कर दिया है। 15 दिन बाद खूब हरे हरे हुआ है। इसमें हम जो खाद डालते हैं तो ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। देखिए ये धीरे धीरे इसका लत्ती उठ रहा है, अपने धीरे धीरे वो ऊपर उठ जाएगा। ऐसे आप लोग सीड्स लगाइए और ये सीड जल्दी ग्रो करेगा। मैंने जो तरीका बताया वही तरीका से सीड्स लगाइए, आज बेटर रिजल्ट पाने के लिए। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जो अपना जो लोग टेनिस गार्डन करते हैं, अपने छत पे सब्जी लगाते हैं, वो लोग को भी जानकारी मिल जाएगा कैसे लगाया जाता है, क्या किया जाता है। इसे पूरा डिटेल्स हम दिखा दिए हैं, वो लोग को भी फायदा होगा। इसको शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।